आम आदमी पार्टी का अब वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, एक एक करके तमाम वो आंकड़े आपके सामने आते हुए चले जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि बीजेपी के सांसदों का कितना प्रभाव है और अपने अपने वोट को जिताने के लिए। सबसे पहले देखिए रमेश विधोड़ी, साउथ दिल्ली रमेश विधोड़ी है। कुल वोट 37 है यहाँ पर, जिनमें से बीजेपी को 13 सीटों पर, आप देख पा रहे हैं 13 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली है। 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी, यानी कि रमेश विधोड़ी के इलाके में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें ज्यादा हासिल कर ली हैं। और यहाँ पर अब रमेश विधोड़ी को सोचना होगा कि आखिर वो कहाँ कमियां रह गई, जिसके कारण साउथ दिल्ली ने एक तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। कांग्रेस पार्टी एक पर, रमेश विधोड़ी जो साउथ दिल्ली से सांसद है बीजेपी के। अब अगला नाम, जल्दी से इस गाड़ी को आगे करते हैं। अगला नाम गौतम गंभीर का, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर सांसद है, वो आंकड़ा भी आपके सामने हम रखेंगे। गौतम गंभीर जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर सीधा अटैक करते रहे, चाहे ट्वीट के जरिए, चाहे अपने बयानों के जरिए, कूड़े के पहाड़ को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जब जबरदस्त तनातनी चली तो हमने देखा गौतम गंभीर ने किस तरह से हमला किया था। और देखिए सांसद जी के इलाके में, यहाँ पर आप देखेंगे गौतम गंभीर के कुल वार्ड ईस्ट दिल्ली में आते हैं 36, बीजेपी 22 पर, आम आदमी पार्टी 11 पर। तो यहाँ बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन 36 वार्ड में बीजेपी 22 पर, जबकि आम आदमी पार्टी पीछे है 11 सीटों के साथ, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें यहाँ पर हासिल की है। ये गौतम गंभीर के ईस्ट दिल्ली का हाल है। अब आगे बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मनोज तिवारी के इलाके का हाल आपको दिखा देते हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, पूर्वांचली वोटरों पर जबरदस्त उनकी पकड़, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ पूर्वांचली वोटर जहां आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद जी के इलाके का हाल जानिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं मनोज तिवारी के इलाके में कुल आते हैं कुल 41 वार्ड, और यहां पर बीजेपी 18 पर, आम आदमी पार्टी ने 17 पर, यानी कि एक पीछे है। कांग्रेस पार्टी ने 4 पर जीत हासिल की है। बीजेपी 18 पर, आम आदमी पार्टी 17 पर, कांग्रेस पार्टी 4 पर। और यहां पर भी देखा जाए तो एक तरह से कांटे की टक्कर मनोज तिवारी के इलाके में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहा है। बीजेपी सांसदों का, 3 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखा दिया है। और अब आगे बढ़ते हुए अगला नंबर लेकर आते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से आप सांसद हैं, मुझे लगता है ये गाड़ी आगे की जाए ताकि अगले सांसद का भी रिपोर्ट कार्ड हम सामने रखें। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से हैं, कुल वार्ड 30 है वहां पर, बीजेपी 16 पर, आम आदमी पार्टी 14 पर। तो चांदनी चौक में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा रहा है। प्रवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली से सांसद हैं, कुल वार्ड 38 हैं, बीजेपी 14 पर, आम आदमी पार्टी 24 पर। प्रवेश वर्मा को सोचना होगा कि आखिर वो क्या कारण रहे कि प्रवेश वर्मा के इलाके में, आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी के मुकाबले। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से हैं, कुल वार्ड 25, बीजेपी 5 पर, बहुत बुरा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी 20 पर, मीनाक्षी लेखी के इलाके में, ये आंकड़ा आपके सामने है। देखिए मीनाक्षी लेखी के इलाके नई दिल्ली में जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है, और यहाँ पर आप 20 पर, बीजेपी सिर्फ 5 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला